आज स्कूल में लेजी ने योकी को अपनी पेट कैट के बारे में बताया। लगता है योकी उसी बारे में सोच रही है। रुम, रुम, रुम। योकी तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। सच सच बताओ योकी, तुम सैड लग रही हो। हैच, मेरे सब फ्रेंड्स के पास पेट्स हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है। मुझे भी एक पेट चाहिए। पेट मतलब क्यूट सी किटन या डॉगी? अरे नहीं हैच, कैट और डॉग तो सबके पास होते हैं। मुझे कुछ अलग चाहिए। मगर क्या तुमने मम्मा बाबा को बताया? नहीं, चलो अभी चलते हैं। हाँ? मुझे डर लग रहा है। तो मामा, बाबा, मेरे सब फ्रेंड्स के पास पेट्स हैं, सिर्फ मेरे पास नहीं है। मुझे भी एक पेट चाहिए प्लीज। योकी बेटा, पेट रखना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। आपकी मामा ठीक कह रही हैं योकी, आप अभी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बहुत छोटी हो। हम दोनों मिलकर पेट का ध्यान रखेंगे, है ना हैच? देखिए हैच भी रेडी है, उसका भी इतना दिल चाह रहा है पेट रखने का। ओके, मगर प्रॉमिस करो कि तुम दोनों पेट का सही से ध्यान रखोगे। पक्का प्रॉमिस, ये। मगर योकी, क्या तुमने एनिमल डिसाइड कर लिया? ओ हाँ, एनिमल तो डिसाइड ही नहीं किया। हाँ, मंकी, मुझे मंकी चाहिए। वो इतनी बड़ी बड़ी जंप्स करते हैं, मंकी के साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। ये। हाँ? योकी बेटा, मंकीज ट्रीज पर रहते हैं, उन्हें घर में नहीं रख सकते। और हमारे घर में तो कोई ट्री नहीं है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, एलिफेंट। फिर हम एलिफेंट ले आते हैं, उसे तो ट्रीज की कोई जरूरत नहीं होती। योकी बेटा, एलिफेंट्स तो बहुत बड़े होते हैं, वो घर में नहीं रह सकते। और एलिफेंट्स एक दिन में 100 किलो से भी ज्यादा खाना खाते हैं। ओह, फिर तो हम एलिफेंट नहीं रख सकते। हाँ, हम ऑटर ले आते हैं। ऑटर छोटे से होते हैं और उन्हें ट्रीज की भी जरूरत नहीं होती, वो बहुत क्यूट होते हैं। योकी बेटा, ऑटर्स तो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, वो पानी में रहते हैं। नो प्रॉब्लम, हम उसे बाथटब में रख लेंगे। ऑटर सीज और रिवर्स में रहते हैं बेटा, वो बाथटब में नहीं रह सकते। इतने से पानी में तो कोई छोटी सी फिश ही रह सकती है। छोटी सी फिश? ये गोल्डफिश, क्योंकि गोल्डफिश ना ज्यादा बड़ी होती है, ना उसे ट्रीज चाहिए और ना ज्यादा पानी। वो तो एक फिश जार में भी रह सकती है, है ना मामा बाबा? ओके, तो फिर गोल्डफिश डन। ये गोल्डफिश। योकी पेट शॉप से अपने लिए गोल्डफिश लेकर आई है और ढेर सारा फिश फूड भी। अभी के लिए इतना फूड काफी है योकी। बाबा, बस थोड़ा सा और, फिश को बहुत भूख लग रही है। देखो योकी बेटा, अब फिश और नहीं खा रही, और फूड डालने से पानी गंदा हो जाएगा। फिश तो आ गई, मगर एक चीज तो हमने सोची ही नहीं। क्या? यही कि फिश अब हमारे घर की मेंबर है, लेकिन हमने अभी तक उसका नाम नहीं रखा। ओह, ये तो हमने सोचा ही नहीं। लेकिन मैंने सोच लिया है, इसका नाम है सनी, क्योंकि यह है सन की तरह गोल्डन। गुड जॉब हैच, चलो अब सब मिलके सनी को वेलकम करते हैं। वेलकम होम सनी।